हाय एवरीवन, मैं हूं श्रेयस और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं OnePlus 6T। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी OnePlus 6T का ये Amazon का प्रोडक्ट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मेन फीचर्स है जो कि और मोबाइल के कंपेरिजन में ये बेस्ट है। और इस रेंज में अगर आप बात करें सैमसंग A9 या फिर और भी जितने मोबाइल है उनसे किस किस चीजों में ज्यादा बेटर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले हम बॉक्स के रैपर को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले अमेजन का जो भी पैकिंग है उसको हम ओपन करते हैं। तो ये जैसे ही मैंने ओपन किया तो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये OnePlus 6T का। तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल वगैरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अनलॉक करने के लिए भी है और ये बॉक्स पे आपको 6 नज़र आ रहा होगा। फिर यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं कि ये बॉक्स में क्या क्या चीज़ है और इसके बार कोड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो हम पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको रेड कलर का ये रिबन टाइप का आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले इसको स्लाइड करके इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पहले देख रहे होंगे कि इसके ऊपर में एक थिन लेयर की प्लास्टिक पहले से ही पैक्ड है। तो सबसे पहले आप हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं सीजर की हेल्प से इसको ओपन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी पैकिंग को ओपन कर पाएंगे। तो ये देखिए मैंने ओपन किया और ये टोटल ओपन हो चुका है। तो फिर यहाँ पे आपको अब नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि ये यहाँ पे रेड कलर का ये बॉक्स लगा हुआ है। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसको जैसे ही आप हटा देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ही आप उसको ओपन कर सकते हैं, मतलब बॉक्स टाइप का ही बना हुआ है ये। जैसे इसको जैसे ही यहाँ वन प्लस का सिंबल है ऐसे ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन किया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वन प्लस 6T का मोबाइल जो कि पैक्ड है टोटली। फिर इसको आप निकाल सकते हैं। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्जर है और इस बॉक्स के अंदर भी कुछ है, जैसे कि उसका कवर होगा और एक मैसेज बॉक्स होगा जो कि वन प्लस के लिए के यूज़र्स को आया होगा फ्रॉम CEO या फिर वन प्लस की ओर से। तो सबसे पहले हम मोबाइल को ओपन निकालते हैं बॉक्स में से और फिर ये बॉक्स में से निकालते हैं। देखिए आपको कई चीज़ 3-4 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो इसका बैक कवर है, ये देखिए ये बैक कवर है और फिर ये बैक कवर के अंदर कई चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें कुछ जैसे कि हर मोबाइल के लिए आपको नज़र आता होगा कि हर मोबाइल के साथ कुछ मिलते हैं बुकलेट्स टाइप्स, उस तरीके से वन प्लस में भी दिया हुआ है। तो देखिए मेन जो पार्ट्स है मोबाइल के मेन थिंग्स जो कि बॉक्स में हैं, तो पहला है मोबाइल है, इसका बैक कवर है, चार्जर है, USB केबल है और एक आपको छोटा सा इस पे पिन दिखाई देगा, केबल दिखाई देगा। क्योंकि वन प्लस 6T में एक डिसएडवांटेज या फिर आप कह सकते हैं इसका एक ऐसा फीचर्स है कि जिसमें कि आपको हेडफोन जैक ईयरफोन जैक आपको मोबाइल में नज़र नहीं आएगा, इसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा केबल दे रखा है जो कि एक USB केबल के नीचे है। देखिए जैसे कि मैं USB केबल को निकालता हूँ तो उसके नीचे जस्ट नीचे देखिए आपको एक छोटा सा केबल नज़र आ रहा होगा, ये रहा। इसकी हेल्प से आप कोई भी हेडफोन लगा सकते हैं क्योंकि ये भी एक टाइप सी केबल ही है जिसके हेल्प से आप ईयरफोन लगा सकते हैं।
कोई भी म्यूजिक या सॉन्ग या वीडियो देखने के लिए। और लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मोबाइल चार्ज करते हुए गाना सुने, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज करें। फिर ये देखिए चार्जर मोबाइल का, ये काफी हैवी दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले अब हम मोबाइल को ऑन करते हैं, तो इसके चारों तरफ देख सकते हैं आप, ये मिरर ब्लैक है, वन प्लस 60 का मिरर ब्लैक। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक USB पोर्ट है और स्पीकर भी नीचे ही दिया गया हुआ है, ऊपर में एक कैमरा है और ये नॉच स्क्रीन है जिसमें कि आपको अपर से ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे फिंगरप्रिंट के लिए आपको एक शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ, तो जैसे ही ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर में वन प्लस लिखा हुआ और नीचे में पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो ये देखिए, ये हाय देयर, और फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वन प्लस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप अपने मोबाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी उसके यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, ये सारे चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, ओके करेंगे तो धीरे धीरे आपको मोबाइल ओपन होगा। तो अगर आप वाईफाई जोन में हैं, तो अगर वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया और फिर इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड हो चुका है। और फिर ये अपडेट्स चेक कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कॉपी करना डेटा, जैसे कि अगर आप पहले भी वन प्लस मोबाइल यूज़ कर सकें तो आप उससे भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा, या फिर कोई भी मोबाइल आप यूज़ करें अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ईज़िली कर सकते हैं। फिर ये आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो अभी गूगल साइन इन कर सकते हैं, या फिर अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेस डिटेक्शन या फिर फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल को प्रिवेंट करने के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं कि अपना फेस डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट, ऑल दोस थिंग्स। तो अब देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है टोटली। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है नेवर सेटल वन प्लस का, जो कि